रेलवे से महत्वपूर्ण तथ्यों का समावलोकन किया गया है इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील कश्मीर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा, सबसे ऊंची झील देवताल झील झारखंड, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिमराम मेघालय, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंगियागुर सोप्पा कर्नाटक, सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, सबसे बड़ा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली लिंक पुल, सबसे बड़ा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली लिंक पुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांद्रा वर्ली लिंक पुल, सबसे बड़ा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली लिंक पुल। भारत का सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, गेहूँ बहुत होता है इधर, और दूध में नंबर वन है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा, डेल्टा ना बनाने वाली नदी नर्मदा व ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लैनेटोरियम कोलकाता, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख, सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर है ये, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, सबसे बड़ा जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया, जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया। सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, डेवलपमेंट ज़्यादा है और सिटी टाइप में वहाँ ज़्यादा है तो शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश, किंतु सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में है। देश का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। चलिए कमेंट में बताइए नीलगिरी कहाँ स्थित है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध उड़ीसा, सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन K2, हिमालय स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है ये कमेंट में बताओ लिख के। सबसे लंबी रेल सुरंग कोजीकुंड से बनिहाल JK, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, ये मैंग्रोव वन वहीं सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल,
शांत घाटी साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है, और वहाँ जो है तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, अर्थात सब विभिन्न विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और केरल को में मसाले बहुत होते हैं। इधर सबसे ऊंचा झरना जोंग या गोरसोप्पा कर्नाटक, और कर्नाटक का हम्पी भी प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक, सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय वृंदावन, प्रथम अंटार्कटिक अभियान 1982, डॉक्टर जेड कासिम, प्रथम केंद्र दक्षिण गंगोत्री। प्रथम अंटार्कटिका अभियान 1982 में शुरू हुआ था डॉक्टर जेड कासिम के नेतृत्व में, और प्रथम केंद्र दक्षिण गंगोत्री, प्रथम अंटार्कटिका अभियान। प्रथम भारतीय परीक्षण पोखरण 18 मई 1974, प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हो गया था। फिर सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई महाराष्ट्र। सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाफ्था झाकरी हिमाचल, तो ये सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है नाफ्था झाकरी, नाफ्था झाकरी हिमाचल में है। सबसे अधिक उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश। चलिए ये वीडियो यहीं पे संपन्न होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।